दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बीती देर रात अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस सूची में यह साफ हो गया कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के रमेश सभरवाल और बीजेपी के सुनील यादव टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं हरिनगर से तेजेंद्र पाल बग्गा को मैदान में उतारा गया है। दूसरी सूची के मुताबिक कांग्रेस ने तिलक नगर से रविंद्र सिंह बमराह, राजेंद्र नगर से रॉकी टूसिट, बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव, कोंडली से अमरीश गौतम, गोंडा से भीष्म शर्मा, करावल नगर से अरविंद सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अब तक 61 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं बीजेपी ने नांगलोई जात से सुमनलता शौकीन, राजौरी गार्डन से रमेश खन्ना, हरिनगर से तेजेंद्र पाल बग्गा, दिल्ली कैंट से मनीष सिंह, कस्तूरबा नगर से रविंद्र चौधरी, मेहरौली से कुसुम खत्री, कालका जी से धर्मवीर सिंह, कृष्णा नगर से अनिल गोयल और शाहदरा से संजय गोयल को टिकट दिया है। इस तरह बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। दूसरी तरह बिहार में गठबंधन के बाद बीजेपी ने अन्य बची 3 सीटों में से 2 जनता दल यूनाइटेड जदयू और 1 लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के लिए छोड़ी है। इनके बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। गठबंधन के मुताबिक जदयू को संगम बिहार और बुराड़ी की सीटें दी गई हैं और लोजपा को सीमापुरी। इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार रात 54 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी आप से कांग्रेस में शामिल हुए आदर्श शास्त्री को अलका लांबा को चांदनी चौक से टिकट दिया गया था। कांग्रेस के 54 उम्मीदवारों की पहली सूची में कई पूर्व मंत्रियों और कुछ नए चेहरों के नाम शामिल थे। पार्टी की ओर से जारी की गई सूची में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पड़परगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लक्ष्मण रावत